Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं बना रही हूँ मठरी, जिसे हम चाय वगैरह के साथ खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में. तो मठरी बनाने के लिए मैंने ले लिया मैदा. मैदे में डाल लिए सूजी और नमक. अब हम इसे गूंथेंगे. तो मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी. काली मिर्च, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई काली मिर्च. तो मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन. डालूंगी थोड़ा सा तेल. तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मैदा लिया था और 50 ग्राम सूजी. तो मैं 100 ग्राम तेल डाल दूंगी इसमें. तो इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे. तो हम इसे पानी मिलाते हुए गूंथ लेंगे. हमें इसे थोड़ा सख्त ही गूंथना है, सॉफ्ट नहीं गूंथना है. अच्छी तरह हम इसे गूंथ लेंगे. तो यह हमारा आटा गूंथ चुका है. मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख दूंगी. तो फ्रेंड्स, ये मैंने आटे की बना लिया वो लोइयां. अब मैं इनको बेलूंगी और दूसरी साइड में गैस पे रख दूंगी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए. तो मैं इसे इस तरह बेल लूंगी. ना हमें इसे ज्यादा मोटा बेलना है ना ज्यादा पतला. तो ये हमारी मठरी बेल चुकी है. अब मैं इसमें चाकू से थोड़े थोड़े कट लगा लूंगी ताकि ये फूले ना. तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया. ऐसे हम अपनी सारी मठरियां बेल लेंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे. तो मैंने ये मठरियां बेल ली. अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी. तो ये मैं डालती जाऊंगी. अब एक एक दो दो डालते जाएंगे हम. और इसे पका लेंगे. तो ये देखिए, एक साइड से हमारी मठरी सिक चुकी है. इसी तरह हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे. तो अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरी डालेंगे. तो फ्रेंड्स, हमारी ये मठरियां रेडी हैं गर्मा गर्म. इन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हो. और इन्हें आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो. ये 2 महीने तक स्टोर करके रखी जा सकती हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.